Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my YouTube family. I hope that you all are fine and safe. Today we are going to start our the last topic of our chapter, solving a biological problem from level 9's book, Biology. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के बारे में. लास्ट पेज पे आपके कुछ डेफिनेशंस मेंशन की गई हैं, दैट इज अबाउट डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ऑल अबाउट दैट. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर. इससे पहले आप लोगों ने मेरी अगर वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी तो प्लीज आप जाके मेरी वीडियोस देखें. आपको कुछ भी समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल विद योर कॉन्टैक्ट्स. थैंक यू सो मच. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस. डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि जब तक एक डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होगा हमें कुछ भी समझ नहीं आती. ठीक है, एक चीज स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, एक चीज रॉ मटेरियल के तौर पे पड़ी हो तो क्या होता है, हमें वो समझ नहीं आती. तो इसी तरह एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन से ही पता चल रहा होता है एक चीज को, बहुत मीन्स की नज़मो ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ रखना. तो डाटा के बारे में हम पढ़ लेते हैं. डाटा क्या होती है? ये एक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, in the form of tables, in the form of you can say anything that is being observed from the observation, that is being observed from the experimentation. हम किसी भी चीज से कुछ भी अगर हम information के तौर पे लेते हैं तो उसको हम data कहते हैं. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, the information gathered through observation and experimentation, that is called data. ये that can be in the form of names, tables, etc. You can say many more things. ठीक है, that is known as data. The information gathered through the observation and experimentation is known as data. For example, names, tables, you can say graph, etc. etc. डेटा ऑर्गेनाइजेशन में पहली लाइन ये कही गई है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड. क्यों? जब तक आपका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उस पर नहीं होगा, स्टेटिस्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, टैबुलेशन फॉर्म हो सकती है, यू कैन से ग्राफ शेड्यूल आप कह सकते हो, नेमिंग कह सकते हो, एक टेबल फॉर्म कह सकते हो, तो वो सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं आपके डाटा की. आपका डाटा स्कैटर्ड होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपका फर्दर वर्क नहीं हो सकेगा. सो वॉट यू हैव टू डू इज टू ऑर्गेनाइज योर डाटा. इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्लेस योर वैल्यूज और योर यू कैन से डाटा शुड बी data should be in form of graphics, you can say tables, you can say charts, graphs, table, charts, and you can say statistical analysis and many more pieces. ये सारे आपके डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं कि आप उनको किस फॉर्म में देखते हो, ग्राफिक्स में लेके आते हो, टेबल्स के फॉर्म में टैबुलेशन करते हो, आप उनको चार्ट्स पे उतारते हो, आप उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उनके सारे एक्स वाई जेड जो भी उनकी नंबरिंग है वो करते हो. तो इन द फॉर्म ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो. नेक्स्ट इज द डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस के अंदर आपकी दो डिफरेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ये जो रेशियो है ना, ये डाटा एनालिसिस के अंदर आती है. डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है? नंबर वन इज रेशियो एंड नंबर टू इज प्रोपोर्शन. रेशियो क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा दैट वी राइट इट एज ए रेशियो बी. रेशियो इज द क्वोशेंट साइन बिटवीन टू वैल्यूज. ठीक है, इसको क्वोशेंट साइन या हम कोलोन भी कहते हैं. बिटवीन टू वैल्यूज इसको हम लिखते हैं दैट वन वैल्यू इज ओवर द अदर वैल्यू लाइक दिस. इसको हम कहते हैं ये जो आपको ये क्वोशेंट नजर आ रहा है और ये आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये रेशियो के डॉट्स कहलाते हैं.
ये कोलोन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसको हम पढ़ते हैं एज अ रेशियो। ये रेशियो होता है दैट शोज दैट दिस वैल्यू इज बीइंग इक्वल टू द अदर वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू इज ओवर द अदर वैल्यू, ठीक है। वी फाइंड वी रीड इट एज दैट ए इज ए बिलोंग्स टू B, ठीक है, A is ratio B, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? इट्स अ इक्वालिटी साइन, ठीक है, इसमें बिलोंग्स टू बी मींस दैट ए इज ओवर बी, ठीक है, ए बी के ओवर है, दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसके अंदर प्रोपोर्शन में आप देखोगे दैट प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी साइंस मींस ए इज इक्वल टू बी, और यू कैन से यू विल पुट अ क्वेश्चन कोलोन then C is equal to D। हम इसको अब इस तरह लिख सकते हैं A over B is equal to C over D। अब इसके अंदर रेशियो भी है और प्रोपोर्शन भी है। Equality signs among them shows that they are equal to one another। ये एक दूसरे के equal आते हैं, और रेशियो शो करता है that they are over one another। ये एक दूसरे के over होते हैं। So that was all about data organization, डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन को हमने स्टडी किया। आई होप कि आपको इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। दैट वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड। ये सारा चैप्टर जो था मैंने पिछले वीडियोस, आई होप कि आपने मिस नहीं की होंगी। इफ यू हैव मिस्ड देन डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, यू विल गेट सम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स अबाउट द प्रीवियस वन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वाज अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच क्लासेस।